हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त और होस्ट रविंदर माथुर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो आज के दिन लॉन्च हुई है हुंडई अल्काज़ार न्यू 2024। जैसा कि आप देख रहे हो, जो गाड़ी का फ्रंट लुक है वो बिल्कुल चेंज कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हो, जो शुरू में आपको कनेक्टेड लाइट मिल जाती है, इसी में आपको इंडिकेटर दिया हुआ है। और जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, बिल्कुल कनेक्टेड में लाइट दी हुई है। यहाँ आपको दोस्तों हुंडई का लोगो मिल जाता है। यहाँ आपको कैमरा दिया हुआ है और जो क्रोम दी हुई है वो पियानो ब्लैक में दी हुई है और देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। जो मैक क्रोम होती है वो दी हुई है। और जैसा कि आप देख रहे हो, जो इसकी लाइटों का डिजाइन दे रखा है वो भी देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसकी टाइप में डिजाइन दिया हुआ है और पूरा काम दोस्तों जो फ्रंट में वो रखा पियानो ब्लैक का, और जो इसमें स्किट प्लेट दी हुई है वो भी देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। सिल्वर फिनिशिंग इस गाड़ी की खूबसूरती को और इन्हेंस कर रही है। नीचे दोस्तों आपको एडास का फीचर्स मिल जाता है। यहाँ आपको सेंसर दिया हुआ, ऊपर आपको एडास का कैमरा मिल जाता है। आपको बोनेट में कर दिए हुए हैं, उसकी वजह से आपको एवरेज भी काफ़ी अच्छी मिलती है और काफ़ी पावरफुल गाड़ी है। जैसा कि आप देख रहे हो, बिल्कुल बहुत ही बल्क की गाड़ी है। मैं गाड़ी से कहाँ आ रहा हूँ। ओवरऑल दोस्तों गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। दोस्तों ये पेट्रोल के अंदर भी आती है और डीजल के अंदर भी आती है, और दोस्तों ये पेट्रोल वाला वेरिएंट है। देखने में गाड़ी काफ़ी खूबसूरत लग रही है। आइए दोस्तों मैं आपको साइड प्रोफाइल और दिखा देता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, आपको DCD की बैजिंग मिल जाती है। 18 इंची में दोस्तों इसके अलॉय व्हील दिए हुए हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और दोस्तों डायमंड कट में जो इसके अलॉय व्हील दिए हुए हैं, देखने में बहुत ही प्यारा डिजाइन लग रहा है इसका। मेरे को बहुत प्यारे लग रहे हैं। इसमें जो डिस्क ब्रेक दिए हुए, 4 डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, 2 आगे दिए, 2 पीछे दिए हुए। ब्रेकिंग सिस्टम गाड़ी के काफ़ी अच्छे कर दिए गए हैं। और दोस्तों पियानो ब्लैक में ग्लाइडिंग दी हुई है, वो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। इसमें आपको बॉडी कलर में ORV मिल जाते हैं। इसी में इंडिकेटर दिए, 360 कैमरा दिया हुआ है। इसमें आपको वो हैंडल दिए हुए हैं वो ब्लैक क्रोम में दिए हुए हैं, देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आपको सेंसर मिल जाता है। ओवरऑल दोस्तों जो फ्रंट वाली खिड़की का डिजाइन दिया हुआ वो भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ब्लैक में आपको इसके पिलर मिल जाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, जो इसका ये वाला पिलर दिया हुआ है फुल पियानो ब्लैक में दिया हुआ है, उसकी वजह से गाड़ी की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऊपर आपको दोस्तों रूफ रेल मिल जाती है, रूफ रेल सिल्वर में मिलती है, इसकी वजह से दोस्तों गाड़ी और ज़्यादा बल्की लगती है। और दोस्तों जो इसमें कर्व दिए हुए हैं वो भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोस्तों इसमें सिल्वर जो प्लेट दी हुई है वो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। नीचे पियानो ब्लैक का भी काम हुआ, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी दी हुई है। यहाँ दोस्तों आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो, ऊपर आपको सार्थी का एंटीना मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ आपको डिफोगर दिया हुआ है, पीछे आपको वाइपर मिल जाता है। और दोस्तों इसमें आपको जो पार्किंग के लिए लाइट मिलती है वो भी देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। पियानो ब्लैक और इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है। और दोस्तों इसमें आपको नई सिल्वर फिनिशिंग प्लेट मिल जाती है, वो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। लाइट के अंदर ही आपको अल्काज़ार की बैजिंग मिल जाती है। जो टेल लाइट दी हुई है वो कनेक्टेड में दी हुई है। यहाँ आपको टर्बो की बैजिंग मिल जाती है। पीछे आपको 4 सेंसर मिल जाते हैं दोस्तों इसमें। और जो स्किट प्लेट दी हुई है वो सिल्वर फिनिशिंग में दी हुई है, काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ दोस्तों आपको एग्जॉस्ट मिल जाता है, वो देखने में काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया हुआ है। यहाँ आपको दोस्तों बैक कैमरा दिया हुआ है। यहाँ दोस्तों आपको सिग्नेचर की बैजिंग मिल जाती है। और दोस्तों पार्किंग लाइट भी काफ़ी अच्छी दी हुई है। आइए दोस्तों आपको मैं इसका बूट स्पेस और दिखा देता हूँ, बूट स्पेस कितना क्या मिलता है। दोस्तों आप इसमें 3 बड़े बड़े सूटकेस रख सकते हैं। यहाँ दोस्तों आपको जो इसमें बोस के स्पीकर दिए हैं उनका एम्पलीफायर दिया हुआ है। यहाँ दोस्तों आपको जैक मिल जाता है। और दोस्तों आपको स्टेपनी खोलनी होगी तो यहाँ से आप उसको खोल सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होगी, यहाँ आपको बोस के सबवूफर मिल जाते हैं। आपको लाइट दी हुई है, यहाँ इंजन के लिए जगह मिल जाती है। दोस्तों मैं आपको इसकी सबसे अच्छी बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक में सीट मिल जाती है। और दोस्तों जो इसकी सीटें दी हुई है अब की बार मैमरीन में दी हुई हैं। जैसा कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट करोगे सीट को, तो अपना दोबारा बैठे तो अपना बटन दबाए, सीट वहीं आके दोबारा सेट हो जाएगी। ये काफ़ी अच्छा फीचर्स लगा मेरे को इसमें। और दोस्तों इसमें आपको ना 8 बोस के स्पीकर मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे
साउंड क्वालिटी दी हुई है। इसमें आपको चार पावर विंडो मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक के लिए, ऑटो फोल्ड के लिए, सिल्वर में आपको हैंडल मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ आपको बिल्कुल सॉफ्ट टच दिया हुआ है, ये काफी अच्छा फीचर है। जैसे हाथ वगैरह रखोगे तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, काफी अच्छा फीचर दिया हुआ है। यहाँ दोस्तों आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, पार्किंग के लिए मिल जाता है, आइडल स्टार्ट स्टॉप के लिए बटन दिया हुआ है। यहाँ से दोस्तों आप अपने लाइटों को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ आपको दोस्तों मैग्नेट मिल जाती है, जैसा कि आप अपना फैमिली का फोटो वगैरह लगाना चाहे तो वो लगा सकते हैं। यहाँ दोस्तों आपको पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं, वॉल्यूम अप डाउन के लिए मिल जाते हैं, फोन उठाने काटने के लिए। यहाँ दोस्तों आपको एडजस्ट के फीचर्स मिल जाते हैं, लाइन असिस्टेंट, ये सारे फीचर्स दिए। और जो दोस्तों स्टेयरिंग दिया हुआ वो काफी प्रीमियम क्वालिटी में दिया हुआ है, इसमें आपको टिल और टेलीस्कोपिक दोनों फीचर्स मिल जाते हैं स्टेयरिंग के अंदर। और दोस्तों इसमें आपको 10.25 इंच की स्क्रीन दी हुई है, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ काफी अच्छा दिया हुआ, काफी प्रीमियम क्वालिटी का दिया हुआ। इसी में आपको कार, एप्पल प्ले, एंड्रॉइड के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ आपको दोस्तों वूफर मिल जाता है, जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो इसमें आपको दो कलर मिलते हैं, बीच और भाई नेवी ब्लू में, काफी अच्छा फीचर्स लग रहा है। और दोस्तों जो इसके एसी के ब्लोरो का डिजाइन दे रखा है वो भी देखने में काफी अच्छा लग रहा है। इसमें दोस्तों आपको डुअल टोन में एसी मिल जाता है, ऑटोमेटिक में एसी दिया हुआ है। और दोस्तों इसमें आपको 7DC में ऑटोमेटिक में गाड़ी मिल जाती है, इलेक्ट्रिक में दोस्तों इसका आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है, ऑटो होल्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, 360 कैमरा के लिए दिया हुआ है। इसमें आपको हील असिस्टेंट के फीचर्स मिल जाते हैं। और दोस्तों फ्रंट वाली रो में आपको वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है, ये भी काफी अच्छा फीचर दिया हुआ है। यहाँ दोस्तों आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए फीचर्स मिल जाता है, यहाँ आपको चार्जिंग मिल जाती है, जैसा कि आप देख रहे हो वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। आपको यहाँ टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, USB पोर्ट मिल जाता है, 12V का सॉकेट दिया हुआ है। यहाँ से दोस्तों आप AC के ब्लोरों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको दोस्तों ग्लो बॉक्स मिल जाता है, कूलिंग वाला ग्लो बॉक्स दिया हुआ है। और यहाँ दोस्तों आपको एम्बियंस लाइट मिल जाती है, वो भी काफी अच्छा फीचर लग रहा है। यहाँ दोस्तों आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, यहाँ दोस्तों आपको मिरर दिया हुआ है, सनग्लास होल्डर मिल जाता है, इलेक्ट्रिक में दोस्तों आपको इसका डे नाइट वाला मिरर दिया हुआ है। और दोस्तों सनरूफ का साइज भी काफी अच्छा दिया हुआ है, पैनारोमिक सनरूफ मिल जाता है इसमें आपको। और दोस्तों देखने में काफी बड़ा साइज लग रहा है इसका। और दोस्तों यहाँ आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, आर्मरेस्ट में स्पेस भी आपको काफी अच्छा दिया हुआ है। यहाँ आपको दो कप होल्डर मिल जाते हैं, एम्बियन लाइट का डिजाइन देखने में काफी अच्छा लग रहा है। और दोस्तों इसके मीटर का डिजाइन भी देखने में काफी अच्छा लग रहा है मेरे को। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो इसमें आपको कैप्टन सीटें मिल जाती हैं। और दोस्तों इसमें आप जो थाई स्पोर्ट है उसको भी बढ़ा सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो काफी अच्छा फीचर दिया हुआ है। लॉन्ग ड्राइव पे ये आपको काफी मदद करेगा, जैसा कि आप देख रहे हो। और दोस्तों इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है, पीछे वाली रो में भी आपको वेंटिलेटेड दी हुई है, ये काफी अच्छा नया फीचर दिया हुआ है। इस सेगमेंट में आपको पहली बार जो सेकंड रो है उसमें वेंटिलेटेड सीट मिल रही है। सिल्वर में दोस्तों आपको हैंडल भी रहता है, यहाँ पावर विंडो दिया हुआ है। और दोस्तों बिल्कुल सॉफ्ट टच दिया हुआ है। पीछे वाली रो में दोस्तों आपको कर्टन मिल जाता है, ये भी काफी अच्छा फीचर्स है। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे होगे यहाँ आप खाना वगैरह खा सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होगे यहाँ लैपटॉप वगैरह भाई अपना पैड वगैरह रख सकते हैं, ये भी काफी अच्छा फीचर्स दिया हुआ है। और दोस्तों जो इसके हेडरेस्ट दिए हुए हैं वो काफी अच्छे दिए हुए, विंग्स टाइप में आपको हेडरेस्ट दिए हुए हैं, जैसे आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो सो भी सकते हो, तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, ये बहुत ही अच्छा फीचर्स मिल रहा है। और दोस्तों इस वाली आपको मालूम है मेरी हाइट 5'11" है, उसके बाद भी यहाँ आपको रूफ के यहाँ काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। और दोस्तों जो इसके हेडरेस्ट दिए हुए हैं उनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, 6 हेडरेस्ट मिलते हैं, लेकिन ये वाले तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, आराम से सोते हुए जाओ, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। और दोस्तों इसमें आपको आर्म रेस्ट भी मिलता है, ये भी काफ़ी अच्छा फीचर्स दिया हुआ है। इस वाली रो में आपको आर्म रेस्ट भी मिलता है। और दोस्तों वायरलेस चार्जिंग के लिए भी आपको मिल जाता है, यहाँ आप अपना फ़ोन रखो ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगा। यहाँ आपको टाइप सी के दो पोर्ट मिल जाते हैं, AC के ब्लोअर दिए हुए हैं।
और दोस्तों अंदर से गाड़ी काफी प्रीमियम फील करवा रही है। यहाँ दोस्तों आपको लाइट मिल जाती है और दोस्तों अंदर से रूफ का भी जो लुक आया हुआ वो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। गाड़ी अंदर से काफी प्रीमियम फील करवा रही है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो कि थर्ड रो में आना तो कैप्टन सीटों के बीच में से आना पड़ेगा आपको। और दोस्तों यहाँ आपको दो कप होल्डर मिल जाते हैं, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, एसी का ब्लोअर दिया हुआ है और फोन वगैरह रखने के लिए भी स्पेस मिल जाता है। यहाँ दोस्तों आपको हैंगिंग के लिए जगह मिल जाती है। और दोस्तों इसमें आपको जो नी स्पेस है वो भी काफी अच्छा दिया हुआ है, पहले कम मिलता था, अब स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी अच्छा स्पेस दिया हुआ है। यहाँ दोस्तों आपको लाइट मिल जाती है। यहाँ से दोस्तों आप एसी के ब्लोरों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है मेरी हाइट 5'11", थर्ड वाली रो में भी आपको जो रूफ के यहाँ काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। स्पेस की दोस्तों गाड़ी में पीछे वाली रो में किसी प्रकार की कमी नहीं है, दो बंदे आराम से बड़े बैठ के जा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होगे दोस्तों दो बंदे आराम से बैठ के जा सकते हैं और स्पेस काफी अच्छा दिया हुआ है पीछे वाली रो में।